रौनक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद रौनक अफरोजुआ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रामगढ़ टेक। दोस्तों, आज मैं मैथमेटिक्स के कुछ आसान तरीके बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि गुणा को किस तरह आसानी से बनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं गुणा बनाने का आसान तरीका। जैसे कोई भी संख्या जिस 23 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, इसको फॉर्मूला को याद रखिएगा। सबसे पहले हम इकाई अंक को गुणा करेंगे, 5 या 15, 15 का 5 कैरी 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10। अब इसको ऐड कर देंगे, आपका 17 का 7 कैरी 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 और 1 = 5 = हमारे 1 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 675। इसी तरह हम और दूसरे संख्या को मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे आपका 45 × 24, इसको मल्टीप्लाई करना है, आप वही टर्म को फिर से अपना सकते हैं, 5 × 4 = 20, 0 carry 2, या 5 × 2 = 10, 4 × 4 = 16, 16 इसको ऐड करेंगे 28, 8 carry हमारा हो गया 2, 4 × 2 = 8, 8 और प्लस कैरी 2 = 10, ये आपका हो गया 45 × 24। इस तरह और भी बहुत सारे संख्या है जिसको आसानी से गुणा करना है, हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे नंबर भी आता है जिसको मिनटों में हम हल कर सकते हैं, जैसे हमारा 24 को 999 मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, याद रखिएगा 999, इसको अगर हम ट्रेडिशनल तरीका से हम गुणा करेंगे तो बहुत लंबा समय ले लेगा। हम क्या करते हैं, 999 मीन्स हमारा क्या होता है, 1000 से 1 कम है, तो हम क्या करेंगे 1000 में 1 घटा देंगे और फिर वही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 24 × 1 = 24 और 3 0 3 0 बैठा देंगे, 24 × 1 = 24। अब क्या करेंगे, 24000 में हम 24 घटा देंगे, आपका 6 7 9 3 2 मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा, 23976, ये आपका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। इसी तरह कोई भी संख्या हो, चाहे आपका 24 × 9999, जितना भी बड़ा संख्या हो, आपको सिर्फ याद रखना है कि इसको में हम क्या करेंगे, नंबर डिजिट करेंगे, उसका नियरेस्ट 110,000 जितना भी हो उसको हम 1 से घटाकर उसको हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस यही फॉर्मूला को अप्लाई करना है। जैसे कुछ संख्या हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 27 × 992 है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 26 × हम क्या करेंगे 1000 में 8 घटाएंगे, क्योंकि 1000 में 8 घटाने पर हमारा 9992 आ जाता है, हम क्या करेंगे 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 × 1 = 1000 = 26000 और फिर 26 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। आसानी से अप्लाई करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।